हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गर्वित, और आपका एक बार फिर टेबल्स फूड कार्ट पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को मीरा रोड के शांति पार्क एक ऐसी जगह पे लेकर आए हैं जहां बहुत ठंडी और मीठी चीज़ मिलती है, जिसके लिए कभी भी कोई भी ना नहीं बोलेगा। हालांकि अगर वो डायबिटीज़ पेशेंट ना हो तो, क्योंकि उन लोग को तो रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन इतनी टेस्टी और मीठी चीज़ है जिसका नाम है आइसक्रीम। आइसक्रीम इतनी अच्छी होती है कि इसके लिए कोई भी कभी भी मना नहीं करेगा। बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है, इसीलिए आज हम आप लोग को लेकर आए हेडसन डेली अरुण आइसक्रीम। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कितना बड़ा एरिया है, कितना फुट एरिया है यहाँ पे, तो इतनी बड़ी शॉप है पीछे, उसमें आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है लोगों की। यहाँ की आइसक्रीम इतनी अच्छी होगी कि लोग दूर दूर से इतनी ज़्यादा भीड़ में खाने के लिए आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो अंदर आपको इतनी सारी डीप फ्रीजर्स मिलेंगे, इतने सारे डीप फ्रीजर्स मिलेंगे जिसमें इन लोगों ने आइसक्रीम स्टोर करके रखी है। दोस्तों, मुझे तो वेट नहीं हो रहा है, मेरे को तो जानना है कि इतनी भीड़ क्यों है। तो चलिए दोस्तों, आइए अरुण डी आइसक्रीम। दोस्तों, जो ये मिल्क बेवरेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक है। मिल्क बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, और इसी का इन्होंने बेवरेज बनाया ताकि लोग और शौक से पिए। अब दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो एक डिस्प्ले डीप फ्रीजर है। ओह माय गॉड, इसके अंदर तो पूरा आइसक्रीम्स का खजाना है। ब्लैक करंट, चोको ब्राउनी, कुल्फी, मटका कुल्फी और स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, ना जाने इसमें क्या क्या है, डबल चॉकलेट, ट्रिपल चॉकलेट। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है केसर पिस्ता, फिर द ब्लूबेरी, कॉटन कैंडी। अरे बाप रे दोस्तों, इतनी सारी वेराइटीज। और अगर दोस्तों अगर आप पीछे देखें तो इनकी शॉप के अंदर आप हिल जाएंगे देख के, इतने सारे डीप फ्रीजर। अगर मैं काउंट करने में गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इधर और दो उधर, यानी 15 और दो में दो, यानी 19, 20 to 25 यहाँ पे डीप फ्रीजर्स हैं। सोच सकते हैं दोस्तों, डीप फ्रीजर 20 to 25 डीप फ्रीजर। दोस्तों, आप इतने 20 to 25 डीप फ्रीजर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ होती है खाने के लिए, कितना अच्छा टेस्ट है, लोग इतना दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, इतनी पसंद करते हैं आइसक्रीम, सो इतना शौकीन है यहाँ की आइसक्रीम का। हेलो सर, सर आपका नाम? मेरा नाम सलीम है। सलीम जी, सर ये अरुण आइसक्रीम कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या? ये एक कंपनी है हेडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड करके, ये कंपनी है चेन्नई बेस्ड, और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी मानी जाती है, और टोटली गाय के दूध से सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे घी है, आइसक्रीम है, फ्लेवर्ड मिल्क है, बटर है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये आइसक्रीम की खासियत ये है कि इसके अंदर एडिबल ऑयल या डालडा घी या पामोलिन तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, प्योर मिल्क क्रीम से बनती है। इसकी वजह से इसकी जो सॉफ्टनेस है और इसका जो टेस्ट है, ये अपने आप में एक अलग है, यूनिक टेस्ट है। मतलब कोई एक बार खाएगा तो वो दोबारा पलट के ज़रूर आएगा, उसको फ़र्क पता चल जाएगा दूसरे टेस्ट में और इसके टेस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, एकदम नेचुरल आइसक्रीम है, होली मेड बाय देसी आइटम्स, नेचुरल आइटम्स। और सर, जो अगर आपने मेरे को बताया ये चाइनीज़, वो चेन्नई बेस्ड आइसक्रीम कंपनी है, तो ये मुंबई में फ्रेंचाइज है या फिर आपने एजेंसी लिए, कुछ आप बताएंगे? ये फ्रेंचाइजी है, और ये हमारा मीरा रोड का जो शोरूम है, यहाँ से हम लोग पूरे मीरा रोड में आइसक्रीम सप्लाई करते हैं। तो हमारे मीरा रोड में अभी 25 के ऊपर फ्रीजर्स हैं जो अलग अलग रिटेल पॉइंट्स पे, वहाँ पे भी हम लोग सप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पे रिटेल सेल जो होता है वो भी यहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ की आइसक्रीम है अभी? करीब 117 वैरायटी है, 111 वैरायटी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। टोटल वैसे 117 वैरायटीज़ आती हैं, डिपेंडिंग ऑन साइजेस एंड टेस्ट के अलावा। मतलब अरुण आइसक्रीम 117 वैरायटीज़ है, लेकिन आपके पास 111 वैरायटीज़ अवेलेबल? 111 अभी अवेलेबल है। सच अ बिग बिग नंबर, मतलब 111 वैरायटीज, और उसमें मिल्क और ये घी वगैरह सब एक्सक्लूडिंग इंक्लूड? आइसक्रीम 111 है, घी अलग है, SMP स्किम मिल्क पाउडर अलग है, डेयरी वाइटनर अलग है, मिल्क बेवरेजेस अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। ओके, मतलब सिर्फ आइसक्रीम 111 वैरायटीज। और सर, इसकी आपकी फ्रेंचाइजी की टाइमिंग? सुबह 9:30 हम लोग ओपन करते हैं, रात को 11:30 से 12 के बीच में क्लोज। ओके, एंड ओपन ऑल 7 days ऑफ द वीक। ओके, तो सर इसके लिए आपने कितनी मेहनत करी? मतलब इतना बड़ा ब्रांड है चेन्नई का, उसको मीरा रोड में लाने के लिए आपकी कितनी मेहनत लगी? ब्रांड तो खैर बहुत बड़ा है, अगर चेन्नई में हम लोग बात करें तो चेन्नई में अरुणा आइसक्रीम का कोई कॉम्पिटिटर है नहीं।
अराउंड 60-70% ने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। बॉम्बे के लिए, मेरा रोड के लिए ब्रांड नया था, लोगों को कन्विंस करने के लिए थोड़ी मेहनत लगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो टेस्ट है इसका, लोगों को जो हमने टेस्ट कराया, तो उस पे से लोग हमारे कस्टमर्स बनते गए और हमारा बेस बढ़ता गया। और आज हम लोगों ने जो शुरू किया था, आज हम लोग ईजीली मैं बोलूँगा कि हमने डबल क्रॉस कर दिया है। वी हैव ग्रोन टू टाइम्स एटलीस्ट। आपको यहाँ पे ओपन करे हुए इसको कितना टाइम हुआ? इसको 6 महीना हो गया। 6 महीने में डबल क्रॉस कर लिया, कितनी अच्छी बात है दोस्तों। कुछ तो खास बात होगी अरुण आइसक्रीम के टेस्ट में, जो लोगों ने इसको डबल डबल बार आके यहाँ पे टेस्ट करा। और सर आपकी यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है आइसक्रीम में? आइसक्रीम में सारी वेराइटी, जैसे मैंने पहले बताया, ये फ्रोज़न नहीं है, ये प्योर मिल्क क्रीम से है। हमारे पास चॉकलेट लेयर वाली 10 वेराइटी है, और जो 25 रुपये से ऊपर है, और हमारे पास 5 रुपये से आइसक्रीम शुरू होती है, अप टू 60 रुपीज़ है। प्लस हमारे पास आइसक्रीम केक भी आता है, जिसको हम लोग कसाटा बॉल कहते हैं, जो बर्थडे केक की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही कैंडल्स वगैरह लगा सकते हैं। हमारे पास कोन के अंदर करीब 22 से 23 वेराइटीज़ हैं, और उसके अलावा कप्स हैं, फैमिली पैक टब्स वगैरह हैं, 1 लीटर, आधा लीटर में, 250 ml में, तो पूरी रेंज है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। कुल्फ़ी वगैरह है, ओल्ड एज जो कस्टमर्स हमारे आते हैं, सीनियर सिटीजन जो आते हैं, वो लोग कुल्फ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बच्चे हैं, बच्चों के लिए फ्रूट फ्लेवर्स हैं, लॉलीपॉप शेप में आइसक्रीम्स हैं, ट्रेन शेप में आइसक्रीम्स हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। प्लस चॉकलेट कोटिंग वाली जो है, हमारे पास 10 और 12 वेराइटी हैं, जो सिर्फ चॉकलेट कोटिंग के साथ में आती है जी। तो ये सारी वेराइटी है हमारे पास। इसके अलावा कसाटा स्लाइस हमारी आती है, केक स्लाइस हमारी आती है, जो कसाटा तो खैर बार कॉम्पिटिटर्स के पास है, केक स्लाइस ज़्यादा लोगों के पास में नहीं है, तो वो अलग ही चीज़ है। तो सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या ऑर्डर करते हैं? सबसे ज़्यादा हमारा चलता है कसाटा चलता है, हमारा कुल्फ़ी किंग चलता है, प्लस हमारी 20 रुपये वाली कैंडीज़ होती हैं, स्पायरल है, ट्रायो है, जॉली ट्रेन है, ये ज़्यादा चलती है। 5 रुपये वाली जो हमारी बाइट्स आती है, लिटिल बाइट्स उसको बोलते हैं, 2 फ्लेवर में आती है, ये भी ज़्यादा चलती है। तो सर आज आप हमें एक ऐसी कौन सी जो अरुण की डिफरेंट आइसक्रीम है, वो कौन सी आप हमें टेस्ट कराने वाले हैं? आपको हम कुल्फ़ी किंग टेस्ट कराएंगे और कसाटा स्लाइस हम टेस्ट कराएंगे, जो हमारा बेहतरीन फ्लेवर है। ओके सर, बेहतरीन फ्लेवर के लिए तो हम लोग बने हैं, बेहतरीन फ्लेवर तो हमारी जान है। तो चलिए सर हम आप हमें टेस्ट कराइए, तब तक हम आपके यहाँ पे आए हुए कस्टमर्स के रिव्यू लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ हेडसन का यहाँ पे मिल्क पाउडर है, ऊपर घी है, डेरी वाइटनर है, जो आप चाय में डाल के पीते हैं, उसको जो आपके पास वो वाटर होता है उसमें आप मिल्क पाउडर मिला के उसको दूध बनाते हैं। यहाँ घी है जो कि एकदम प्योर देसी घी, काऊ के दूध से बना हुआ घी है ये, बहुत अच्छा। फिर ऊपर मिल्क बेवरेज है, जो हमने यहाँ पे फ्रिज में देखा वही सेम वहाँ पे है, उसमें कोई फ़र्क नहीं, बस ये थोड़ा सादा है, ये थोड़ा ठंडा है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है मिल्क पाउडर। दोस्तों अगर आप ये पैकेट को ध्यान से देखें तो ये काफ़ी अच्छा है दिखने में, हेडसन का स्किम्ड मिल्क पाउडर। यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की है जो इसको एडवर्टाइज कर रही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लो कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादातर मिल्क पाउडर में क्या होता है, थोड़ी चिकनाई होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन इसमें नहीं है। काउस मिल्क सो गुड। दोस्तों अब टेस्ट करते हैं कसाटा स्लाइस आइसक्रीम। ये रही मेरी कसाटा स्लाइस आइसक्रीम, अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप इसके पैकेट को ध्यान से देखें, इसमें बड़ा बड़ा लिखा है कसाटा स्लाइस अरुण आइसक्रीम। इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं ऊपर, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, टूटी फ्रूटी एंड चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम मेड फ्रॉम मिल्क एंड क्रीम। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे ठीक सामने अभी अरुण की स्पेशलिटी कसाटा स्लाइस आइसक्रीम। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में होगा, ये मैं आपको बताता हूँ अभी टेस्ट करके। कितनी टेस्टी आइसक्रीम है ये, वाह मज़ा आ गया। इतनी टेस्टी कसाटा स्लाइस आइसक्रीम मैंने पहले कभी भी नहीं खाई है। इसको इतना नेचुरली बनाया गया है, जो वनीला और चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो मेरे मुंह में अभी तक है, इतना टेस्टी है। मतलब तो वनीला और चॉकलेट का है। अब हम खाते हैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम ठंडी, मीठी, डिलीशियस,
और काफ़ी क्रीमी आइसक्रीम है, जैसा उन्होंने हमीद सलीम जी ने बताया, एकदम क्रीमी आइसक्रीम होती है, इसमें कोई एडिड प्रिजर्वेटिव नहीं होते, कोई ऑयल नहीं, पाल्मोलिन ऑयल नहीं, एकदम इसमें ये नेचुरल है, फ्रेश है, प्योर है, बहुत टेस्टी आइसक्रीम है ये। तो दोस्तों अब एक और शानदार और लाजवाब टेस्ट जो कि मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ अरुण आइसक्रीम का, वो है कुल्फी किंग। दोस्तों ये अभी अभी मेरे को सलीम जी ने दी टेस्ट करने के लिए, बताने के लिए कैसी है अरुण आइसक्रीम्स की कुल्फी किंग फ्लेवर्ड आइसक्रीम। ये देखिए आपको इसकी फ़ोटो जो इसमें प्रिंट है, इतनी टेस्टी दिख रही है ये, तो सोचिए खाने में कितनी टेस्ट होगी। एकदम प्योर कुल्फी की तरह दिख रही है ये, देखिए दोस्तों कितनी अच्छी है ये दिखने में। और इसको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी है। ओ माय गॉड, प्योर कुल्फी, प्योर कुल्फी, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है राजभोग कुल्फी खा रहा हूँ, इतनी टेस्टी कुल्फी है ये, मतलब कुछ एडिड प्रिजर्वेटिव नहीं है, एकदम फ्रेश, एकदम प्योर, इतनी सॉफ्ट है ये। मैंने इसको बस हल्का सा दांत से दबाया, पूरा मेरा दांत नीचे चला गया। इसको एक और बार मैं आपको खा के दिखाता हूँ, ये देखिए। कितनी टेस्टी आइसक्रीम है ये, एकदम सॉफ्ट, एकदम नेचुरल, बहुत ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम है ये, खा के एकदम मज़ा आ गया, एकदम ताज़गी, ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत टेस्टी है ये। तो दोस्तों मैं यहाँ आइसक्रीम इंजॉय कर रहा था, उनको मेरे एक फ्रेंड मिले, आप उनसे जानते हैं कि उनको याद होना आइसक्रीम कैसी लगती है। हेलो सर, सर आपका नाम? अजहर। अजहर जी, आपको ये अरुण आइसक्रीम कैसी लगती है? इसका टेस्ट बहुत सुपर्ब है, क्रीमी है, एंड फ्लेवर वाइज आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई और कंपनी का फ्लेवर है जैसा इसमें है, टेस्ट वाइज एज वेल एज क्वालिटी वाइज। आप कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं? आई गेस कुल्फी बार। कुल्फी किंग, मैं भी कुल्फी किंग ही खा रहा हूँ, हम दोनों एक ही आइसक्रीम खा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ये, मतलब कोइंसिडेंस, इतनी टेस्टी आइसक्रीम है, इतनी टेस्टी आइसक्रीम तो हर कोई खाना चाहेगा। सर आपको अरुण आइसक्रीम से ऐसा क्या टेस्ट मिलता है जो बाहर किसी और कंपनी में नहीं है? इसका रिचनेस जो है वो दूसरों से अलग है, टेस्ट वाइज सुपर्ब है, एंड क्वालिटी वाइज आई थिंक बेस्ट है दूसरों से। सर आप हमें बताना चाहेंगे कि अरुण आइसक्रीम खाने के बाद आपको कैसा फील होता है? डोंट थिंक कि उसको वर्ड्स में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेस्ट फीलिंग इन टर्म्स ऑफ आइसक्रीम। ओके सर ने बताया कि आइसक्रीम, ये आइसक्रीम खाने के बाद वो एक फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतनी अच्छी है, मैं खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने हमसे बात करी, इतना बढ़िया आपने बोला, थैंक यू सर। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी एक हमारे फ्रेंड से बात करी सर जी से, उन्होंने बताया इतनी टेस्टी आइसक्रीम है ये, तो आप भी आइए और इतनी टेस्टी आइसक्रीम का मज़ा उठाइए। अगर आप भी इतनी डिलीशियस, इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो आइए मीरा रोड के शांति पार्क में लोकेटेड अरुण आइसक्रीम्स में। इतनी टेस्टी आइसक्रीम आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी, ये मेरी गारंटी है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने नेबर्स के साथ आइए और इतनी टेस्टी अरुण की आइसक्रीम है, कुल्फी किंग, कसाटा स्लाइस और 111 वैरायटीज़ की आइसक्रीम है यहाँ पे, ये सब का लुत्फ उठाइए, मज़ा करिए, यहाँ पे आके इन्जॉय करिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की टेस्टी, मीठी, ठंडी, डिलीशियस और इतनी नेचुरल वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपको अरुण आइसक्रीम्स कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर कीजिए। और जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेबल्स फूड कार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम लोग अगली बार जहाँ की भी वीडियो, एकदम अतरंगी वीडियो, एकदम डिलीशियस वीडियो पोस्ट करें, वो आप उसको फटाफट देख पाएं, उस लोकेशन पर पहुँच पाएँ। थैंक यू।